बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली स्वीट डिश बनकर के तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनाज किचन। आज हम बनाने वाले हैं एक मीठी रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और इसे आप एक बार खाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डिलीशियस ये बन के तैयार होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, इसमें हमने एक छन्नी रख लिया है, और अब हम इसमें एक कॉटन का कपड़ा लगा लेते हैं, और इसमें हमने दही डाल लिया है और इसे अब हम बांध देते हैं। इसे हमें 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि जो दही है उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और ये दही है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है इसके बाद। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है और इसे अब हम रख लेते हैं फ्रिज में। और इसी तरह से हम इसमें छन्नी के साथ ही इसे रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकलते रहे। और ये जो दही है 2 घंटे के बाद हमने इसे बोल में ले लिया है, 3/4 कप ये दही है, और इसे हम अच्छी तरह से मिलाते हुए फेंट लेते हैं। और अब हम इसमें डाल लेते हैं 1/2 कप दूध, 3/4 कप हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल लेते हैं। कंडेंस मिल्क हमने घर पे ही बनाया है। कंडेंस मिल्क डालने के कारण से इसमें हमें कोई भी चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसमें डाल लेते हैं केसर वाला दूध। तो दूध में हमने थोड़ा केसर भिगो करके रख दिया था गर्म दूध में, और उसी को हमने अभी डाल लिया है। और इन सबको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। और इसे सेट करने के लिए हमने छोटी छोटी कटोरियाँ ले ली है। कटोरियों में हम थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लेते हैं इस तरह से, और इन कटोरियों में हम इस बनाए हुए मिश्रण को डाल लेते हैं। अगर आपके पास मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन हो तो आप उसमें भी इसे सेट कर सकते हैं। और इसे स्टीम करने के लिए हम पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। या तो आपके पास स्टीमर हो तो स्टीमर में आप गर्म कर सकते हैं, या तो फिर कढ़ाई में आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं काट करके, और अब हम इसे एल्युमिनियम फॉइल से इस तरह से कवर कर लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम बाकी को भी इस तरह से कवर कर लेंगे। और इसे पकने के लिए हमने कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया है, 2 कप पानी हमने यहाँ गर्म किया है, और एक स्टैंड रख लिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं हो तो आप कटोरी को उल्टा करके रख लें, और यहाँ पे हमने एक प्लेट में रख के और इन कटोरियों को प्लेट में प्लेस कर दिया है। ढक के इसे हम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने 15 मिनट के बाद इसे निकाल लिया है और ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो अब इसे हम फिर से फ्रिज में रख देते हैं। तो वो 2 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। 2 घंटे बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये हमारी भापा दही बन करके तैयार हो चुकी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। और अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।